बिजली विभाग ने एक बार फिर अपना कारनामा दिखाया है। बिजली तो नहीं दी लेकिन बिजली का बिल जरूर पहुंचाया। जी हां, मुजफ्फरपुर की हम बात कर रहे हैं जहां के ग्रामीण अंचल में कई उपभोक्ताओं के पास हजार रुपए का बिजली बिल पहुंच गया, लेकिन पिछले कई सालों से इन गांवों में बिजली का दर्शन ही नहीं हुआ है लोगों को। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग अनूठा कारनामा कर रहा है। यहाँ के कई गांवों में ग्रामीणों के पास बिजली का बिल पहुंचा है। इस बिल में वर्तमान बिल के साथ साथ बकाया भी शामिल है। हजारों रुपए का बिल देखकर ग्रामीण हैरान परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में कभी बिजली आई ही नहीं। बिजली 2007 में श्यामा पावर द्वारा ये पोल और तार वायरिंग किया गया, उस समय से आज तक हम लोगों को बिजली का दर्शन नहीं हुआ और कहीं से कोई कनेक्शन इसका नहीं है 11,000 में। और हम लोगों के यहाँ से 2007 से भी पूर्व से ही बिजली बिल लगातार हजारों हजार की संख्या में भेज रही है। एक साल पीछे एक वो एनटीपीसी का कोई पदाधिकारी जीप से आए थे, कहे थे कि बिजली तुरंत चालू करेंगे। हम लोग बताए भी कि ऐसे ऐसे हमारे गाँव में बिल आ रहा है, बिजली है ही नहीं। तो वो कहे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, बिजली तो यहाँ चालू है, एक कह करके और उसके बाद में वो चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल पहले उन्होंने बिजली के लिए सामूहिक रूप से आवेदन दिया था। गांव में बिजली के खंभे गाड़े गए, घरों में मीटर लगाए गए, लेकिन गांव में कभी बिजली पहुंची ही नहीं। लेकिन बिना बिजली के बिजली बिल जरूर पहुंच गया। उधर अधिकारी मामले की जांच की बात तो कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी चेता रहे हैं कि अगर किसी का बकाया होगा तो उसका भुगतान उसे करना होगा। देने की हम लोग नहीं देते, कंपनी ऐसा नहीं करेगी। उनका पैसा है, वही गवर्नमेंट और उनका पैसा दे ही जाएगा, किसी का पैसा बाकी रहेगा उसको देना ही होगा। यानी माजरा फाइलों के खेल का है। फाइलों में इन गाँव में बिजली रोशन हो रही है, लेकिन असलियत में गाँव वालों के घरों में अंधेरा ही छाया हुआ है। ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जरूरत है। सुनील तिवारी के साथ संतोष राज पांडे, सहारा समय, मुजफ्फरपुर।